जनपद जालौन से सनसनीखेज मामला आया सामने, रिश्ते हुए कलंकित। नाबालिग भतीजी को चाचा ने बनाया अपनी हवस का शिकार, रिश्ते हुए तार तार। चाचा ने घर पर ही दिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम, अब खून के रिश्ते भी हुए तार तार। अब कोई किस पर करेगा भरोसा और कैसे करे भरोसा, जब सगे चाचा ने ही अपनी सगी भतीजी के साथ किया दुष्कर्म। चाचा ने भतीजी को यह बात किसी को बताने से मना किया, मारने की दी धमकी। धमकी के बाद ही नाबालिग भतीजी रहती थी घर में सहमी सहमी, और एक बार फिर चाचा ने दुष्कर्म की घटना को घर में ही दिया अंजाम। रोते रोते भतीजी ने अपने परिजनों को सुनाई आप बीती। परिजनों ने दी पुलिस को सूचना, सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया आरोपी चाचा को गिरफ्तार, भेजा जेल। जनपद जालौन की कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का मामला। कोतवाली क्षेत्र में चाचा ने अपनी भतीजी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए, जैसे ही कल हमें इस चीज की सूचना थाने पर प्राप्त हुई और थाने प्रभारी को मेरे द्वारा तुरंत निर्देश दिया कि मुकदमा पंजीकृत करें और अभियुक्त की गिरफ्तारी करें। मामला कुछ महीने पुराना है और उसने फिर शायद दोबारा अटेम्प्ट किया था, जिसके कारण लड़की ने थाने में इसकी सूचना दी थी और इसी क्रम में मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही जल्द चार्जशीट लगा के इसमें सजा कराने की पूरी हमारी तरफ से कोशिश की।